कृष्णं वंदे जगद्गुरु विघ्नहर्ता गणेशाय सर्वसिद्धि प्रदायके शिव शक्ति नमो नमः। ज़्यादातर लोगों को पता है कि केसरी सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तांत्रिक क्रियाओं एवं धर्म से जुड़े क्रियाओं में सिंदूर बहु प्रचलित सामग्री है। इसका उपयोग सामान्य धार्मिक अनुष्ठान पूजन कर्म से लेकर तांत्रिक क्रियाओं तक किया जाता है। सिंदूर पे कई प्रयोग किए जाते हैं, उसमें से कुछ असरकारक गृहस्थ जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी है। इसके अलग अलग उपाय हैं और कैसे प्रयोग में लिया जाता है यह जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। मैं सभी ग्रह साधक मित्रों का शुभचिंतक शैलेश पटेल, निसर्गोपचार ज्योतिष वास्तुशास्त्र सलाहकार, आप सभी का मेरे जय माता जी धाम शैलेश पटेल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आइए अब जानते हैं सिंदूर के प्रयोग और फायदे। घर में जब कोई विशेष देवी देवता का पूजन अनुष्ठान करते हैं तब जटा नारियल के ऊपर घर के सभी सदस्यों के हाथों केसरी सिंदूर का टीका लगाने से सभी को पूजन का फल मिलता है। साथ ही साथ घर में किसी को कोई भी दोष हो तो वह दोष दूर हो जाता है और निर्विघ्न हमारा कार्य संपन्न होता है। मांगलिक कार्यों में जिनको बाधाएं आती हो वे शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करके नौ मंगलवार हनुमान जी को केसरी सिंदूर चढ़ाए तो बाधा हट जाती है। आए दिन जिनको वाहन दुर्घटना का सामना करना पड़ता हो वे सिंदूर की दो डिब्बी लेकर मंगलवार के दिन हनुमान जी मंदिर जाए, दोनों डिब्बी हनुमान जी के सामने रखे, यथाशक्ति हनुमान जी की पूजा करे, बाद में उसमें से एक डिब्बी घर पर ले आए और घर के पूजा स्थान में रख दे। खून से संबंधित बीमारी की तकलीफ हो तो जटा नारियल और केसरी सिंदूर सात बार सीधा उतार कर पानी में बहा दे। पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम नीम आसोपालों के पत्तों का तोरण केसरी सिंदूर लगाकर लगाने से घर में सुख समृद्धि एवं शांति बनी रहती है तथा शत्रुओं द्वारा किसी भी प्रकार के तांत्रिक प्रयोगों के भय से मुक्ति मिलती है। केसरी सिंदूर के सामने चमेली के तेल का दिया करके 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ और 11 माला हनुमान मंत्र का करने से सिद्ध सिंदूर हो जाता है और इस सिंदूर को हमेशा साथ में रखने से सभी प्रकार के भय खत्म हो जाते हैं। मेरे इस चैनल में हनुमान जी पूजन विधि का वीडियो उपलब्ध है, उसके मुताबिक हनुमान जी पूजन करके केसरी सिंदूर को चांदी के डिब्बी में सुपारी के साथ रखने से घर में सुख समृद्धि और शांति मिलती है। मैं आदिशक्ति जगत जननी माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ आप सभी का गृहस्थ जीवन सुनहरा सुखमय बने। जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे गृहस्थ जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए निसर्गोपचार ज्योतिष वास्तुशास्त्र मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान और अन्य प्राचीन विद्याओं की जानकारी के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और यह जानकारियाँ अपने परिचित लोगों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय माता जी।